चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं पहले कश्मीर जम्मू कश्मीर के बारे में जम्मू कश्मीर का इतिहास बड़ा पुराना रहा है यहाँ पर शुरू से ही यहाँ विवाद रहा है जम्मू कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर शहर की क्या किया था स्थापना किया था श्रीनगर शहर की क्या किया था स्थापना। ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था कश्मीर पड़ा था क्या पढ़ा था कश्मीर एक समय था यहाँ पर अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था एक समय में यहाँ पश्तून दुरानियों का शासक था पश्तून दुरानी से इसमें सिख शासकों ने कब्जा कर लिया तो ये किसके पास चलाया सिख शासक से सिख शासकों को हरा दिया अंग्रेजों ने तो कश्मीर पर किसके आ गया अंग्रेजों का अंग्रेजों ने कश्मीर कश्मीर को बेच दिया डोगरा शासकों को बेच दिया लो कश्मीर खरीद लो अंग्रेजों ने किसको बेच दिया डोगरा शासक तो यहाँ शासन किसका हो गया डोगरा शासकों का किसका शासन हो गया डोगरा शासन तो कश्मीर का अंतिम राजवंश डोगरा शासन अंतिम राजा थे हरि सिंह राजा का नाम क्या था हरि सिंह हरी सिंह अब कश्मीर के राजा हरि सिंह थे उतना तो दिमाग वाले नहीं थे इनका मंत्री जो था बहुत समझदार था नाम था उसका शेख अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। प्रधानमंत्री इनका सलाहकार कौन था शेख अब्दुल्ला अब जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि देखिए जितने भी छोटे छोटे राजा हैं या तो भारत में मिल जाए या मन कर रहा है तो पाकिस्तान में मिल जाए या मन कर रहा है तो क्या करे अपना देश बना ले सोचिए अंग्रेज सब भारत है या आजाद करके जाओ ना यहां से आगे बढ़े तो बताइए हरि सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे से हरि सिंह को इसने कहा था अपना अलग देश बनाइए कश्मीर क्या रहेगा अपना देश बनेगा बताइए धर्मशाला बना रहे हो लोग देश बनाने के लिए इतना नॉर्मल चीज होता है केवल जमीन का टुकड़ा थोड़ी चाहिए उतना आपके पास सक्षम वातावरण होना चाहिए सेना होनी चाहिए अर्थव्यवस्था होनी चाहिए सेब बेच के देश बना लेंगे कश्मीर में पर्यटन सेब ड्राई फ्रूट और कौन चीज होगा ज्यादातर यहाँ पे नहीं समझे तो हरि सिंह ने चढ़ा दिया अब हरि सिंह साइने नहीं करें सरदार पटेल कहे हरि सिंह को कि साइन कर ले भाई क्या कर दो साइन कर दो अच्छा अंग्रेज जब इतना खचरा था सब देश आजाद हो गया उन्नीस में देश आजाद हो गया उन्नीस सौ सैंताली लेकिन सेनापति अंग्रेज का था सेनापति किसका था अंग्रेज कहा कि जब तक आप संविधान नहीं बनाएंगे सेनापति किसका रहेगा अंग्रेजों का ही रहेगा अब सेनापति कानून के हिसाब से चल रहा था सरदार पटेल ने कहा कि हमला कीजिए कश्मीर हमारा होगा तो कहा कैसे कर देंगे आप साइन करके देगा हम अभी हमला कर देंगे हरि सिंह साइन ही नहीं कर रहा था जिन्ना के पास भी जो सेनापति था वो भी क्यों था अंग्रेज जिन्ना ने भी कहा ये हमला करो इस पर कहागे हमला कैसे कर दे हरी सिंह साइन करके देगा कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा तो हम हमला कर देंगे यानी दोनों के पास बराबर मामला था लेकिन जिन्ना के पास जिन्ना ने क्या किया एक गलत सहारा लिया उसने कहा कहा कि कुछ लोगों को चढ़ा के का बंदूक दिया हथियार दिया कहा जा को मारो कश्मीरियों को न्यू ही खराब हो गई क्योंकि जब आप किसी को बंदूक चलाना सिखा देते हैं तो फिर वो लाइफ टाइम बंदूकें चलाएगा शेर को जब मांस लग जाता है तो खिचड़ी नहीं खाएगा वो हम लोगों ने क्या किया ये इंसानियत और उसने क्या किया हमला कर दिया और यहां जब आप हमला करने किसी को इलीगल भेजते हैं ना तो कहेंगे एक आदमी को मारने के लिए तो दस आदमी को मार देगा सेना अगर हमला करेगी तो मार के काम खत्म होगा लौट आई नॉर्मल आदमी को भेजा मार देगी दुकान शटर टूट देगी सोना का दुकान है लूट लूटे एथिक्स खत्म मॉरल खत्म कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा लूट खसोट ज्यादा हो जाएगा जबकि बाकी में ऐसा नहीं होता है आप ही लोग को पुलिस बंदूक दे दी जा कहा जाएगा पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में रात में तुम ही लोग ताला तूरने लगेगा नॉर्मल पुलिस रात भर आपके दुकान किसके भरोसे खुला बंद रहता है पुलिस कभी सोचे जिस दिन वो चाह देगी क्या होगा एक सड़क पर दूगो जीप उधर दूगो जीप इधर है भाग यहां से रास्ता खाली हो जाएगा लेकिन आप कितनों गरिया लीजिए पुलिस को लेकिन अल्टीमेट आप उन्हीं के पास जाते हैं सोचिए हम लोग आवाज उठाते हैं पुलिस के ऊपर आधा घंटा लग गया पुलिस को आने में भाई आपके घर से पुलिस स्टेशन जितना दूर है ना पुलिस स्टेशन से आपका घर भी उतने दूर है तो हर इधर से कौन घुसा दिया सेना जीना सेना घुसाया गया आतंकवादी सबको आतंकवादी ने जमीन कब्जा किया ही लोगों का सामानों लूटने लगे सब हद तब हो गया जब वहां हमला करते थे इतना एरिया कब्जा किए तो वहां महिलाओं को लेके लड़कियों को लेके जाने घर हम ब्याह करेंगे आगे बढ़ा नाते और लड़की दी के एक कर लेंगे हम लूट खसोट इतना रद्द कर दिया इतना तबाह कर दिया कि हरि सिंह कहा कि भाई अब हमरो हमरो यहाँ से उठा मत ले जाए दिग्ग दुगो रूप तब हरि सिंह भागे भागे आए सरदार पटेल से मदद मांगने नेहरू से नेहरू जी हमारी मदद कीजिए तो क्या जरूर करेंगे सरदार पटेल कहे करें जरूर करेंगे पहले साइन कराइए से धेर होशियार बन रहा था तो साइन किया मैं भारत में विलय करता हूँ तो भाई हरि सिंह का तो एरिया ये पूरा है ना ये पूरा एरिया है और जब उन्होंने साइन किया मतलब पूरे के लिए साइन किया लेकिन जब तक वो साइन किया अक्टूबर में आके साइन किया आजादी मिली थी कब अगस्त में अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट अक्टूबर छब्बीस अक्टूबर को जाके कर रहा है अक्टूबर खत्म करके छब्बीस अक्टूबर को कर रहे तीन महीना में कितना हमला हो जाएगा समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे तब तक इतना एरिया कब्जा कर चुका था तब हरि सिंह आए तब कौन किया हरि सिंह साइन किए और कहे बचा लीजिए तब सरदार पटेल ने साइन कराया और सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे तुरंत जाके अंग्रेजों की सेनापति को दिए ये देखिए अब साइन हो गया अब तो हमला करेंगे ना अब आप स्वतंत्र हैं अब हमला कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल ब्रिगेडियर आर्मी से इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे उस समय का सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग था और जिन्ना ने उनको ऑफर दिया था आ जाइए सेनापति बना देंगे जिन्ना ने ऑफर दिया था ब्रिगेडियर को क्या बना देंगे सेनापति बना देंगे आप तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जिस देश की धरती की शपथ लिए थे जिस देश की धरती का हमने मेडल पहना था जिसने हमें नौकरी दिया था और जब हथियार उठाने से पहले जब हम सर्विस में आए थे तो जो शपथ लिए थे आपके सेनापति बनने के लिए हम उस भारत का शपथ कैसे भूल जाए भूल जाइए आपका पाकिस्तान बन गया है मरेंगे तो इसी धरती पर मरेंगे पर तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जब कमांड दिया गया तो उसके बाद से पाकिस्तानी एक इंच आगे नहीं बढ़ सके थे। एक इंच आगे पाकिस्तानी नहीं बढ़ सके सर यहां से पूरी तरह से ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या किया सेना बिछा दिया और पाकिस्तानियों को खदेड़ना चालू कर दिया यहां पर और पाकिस्तानी सबको पीछे ढगलने लगे नौसेरा एक जगह है कश्मीर में जहां पाकिस्तानियों ने अपना गढ़ बना लिया था और वहां पूरा गोदाम बना लिया था गोला बारूद का और नौसेरा में पूरे ब्रिगेडियर उस्मानी एक दिन में कब्जा कर लिए गोदाम वोदाम सब उड़ा दिए भाग गया सब पाकिस्तानी कल यही हथियार का यूज करो कर ब्रिगेडियर उस्मानी की एक समझिए अच्छाई का ये खराबी ढीठ बहुत थे ढीठ बहुत थे वहाँ पे युद्ध के मैदान में ही जाके उनको समझाते थे अपने सैनिकों को अब कोई सिपाही है और उसके बीच में ब्रिगेडियर आ गया ब्रिगेडियर का पाप बहुत बड़ा होता है आ गया कि नहीं आ गया जब सामने ब्रिगेडियर खड़ा रहे तो सिपाही का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि कुचू कार के फेंक देगा सो वहाँ पर आ इसी बीच में जब ब्रिगेडियर उस्मानी थे तो एक तोप का गोला इनके ऊपर आके गिर गया हालांकि कई बार ये बच चुके थे एक बार तोप का गोला जैसे जहां खड़े होते हैं भाषण देने गए ना जैसे वहां से भाषण देके के खत्म होकर हटे तुरंत वहां तो एक तोप का गोला गिरा जिस जगह पे थे भाषण दे रहे थे उसी जगह पे जैसे खत्म हो गया उसके जैसे गए अपने जीप में बैठे वहीं गोला गिर गया तो लोगों ने बताया कि सर आप जहां थे वहीं पर तोप का गोला गिर गया था तो कहा कि तोप के गोला को ही पता है ब्रिगेडियर की इज्जत की जाती है हरी सिंह की गलती की वजह से ये एरिया किसने कब्जा कर लिया अब जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि हम मुकदमा कर देते हैं हम क्या करते हैं केस कर देते हैं कहाँ पर यू में कहाँ केस करेंगे यूएनओ में अब जवाहरलाल नेहरू चूंकि वकील थे उन्हें लगा केस लड़ लेंगे लेकिन ये नहीं समझ पाए अंग्रेज यूएनओ ऐसा संस्था बनाए जहां कोई भी मामला फंस जाता है और लेके चले गए कश्मीर मामला को कहां पे यूएनओ में अब पाकिस्तान कहता है कि हम यहां जनमत संग्रह कराना चाहते हैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहते हैं तुम कहां रहना चाहते हो हम लोगों से मिलना चाहते हैं कहां रहना चाहते हैं। लेकिन हरि सिंह जब साइन किए थे ना तो शेख अब्दुल्ला खचरा था तो, उसने तीन जोड़वा लिया था। क्या जोड़वा लिया था क्या जोडवा लिया था तीन जिस वजह से हम लोग वहां नहीं रह सकते थे मोदी जी यहाँ किसको निपटा दिए तीन सौ सत्तर निपटा दिए सरदार पटेल ने साइन करा लिया ब्रिगेडियर उस्मानी तबाह कर दिए और नेहरू कहा लेके चल गए यूएनओ में देखिए नेहरू अगर यूएनओ में ले गए तो आप भले नेहरू की गलती कीजिए लेकिन गलती जो है यूएनओ की है यूएनओ छाती पीट के चिल्लाता है यूक्रेन में क्या हो गया यूक्रेन अरे सीरिया में क्या हुआ था अफगानिस्तान में घुस के मारे लोग क्या हुआ था अफगानिस्तान में इराक में क्या किया सब तबाह कर दिया सब इराक में ये इनकी लॉयलिटी केवल अपने वेस्टर्न कल्चर के लिए है याद रखिएगा बाकी हम लोग को मजबूरी है इन चट्टों की हम लोग को इज्जत से बात करता है वरना जिस दिन हम लोग गूगल यूट्यूब फेसबुक हेन से इनका बहिष्कार करेंगे लोग ना उस दिन शांत हो जाएंगे ये लोग यहां पर कि नहीं गया यहां पर सौ सत्तर जोड़ देने के वैसे हो अब यूएनओ में पाकिस्तान क्या कहता है कि हम यहाँ पे चुनाव कराना चाहते हैं किसकी बना दिया, किस की लड़ाई दिया? की। और खेलता है पाकिस्तान से समझिएगा पाकिस्तान का माइंड गेम कैसे वो अपने आतंकवादियों को भेजता है कहेगा नमाज पढ़ने वाली टोपी पहनो आप बताओ लड़ाई लड़ने के लिए तो हेलमेट पहनना चाहिए ना हम ही लोग अगर कहीं लड़ाई लड़ने जाएंगे तो क्या गमछा बांध के जाएंगे कि टोपी पहन के जाएंगे हेलमेट पहन के जाएंगे हेलमेट नहीं भेजता क्या भेजता है टोपी और टोपी में भी नमाज वाला अच्छा हम लोग चितकबरा कपड़ा पहनेंगे छुपने में आसानी है वो कुर्ता पैजापा पहनाएगा उसका मकसद कभी कश्मीर मुद्दा जमीन का रहा ही नहीं वो बार बार इसे धर्म पे ले जाना चाहता ताकि मरने वाले के बाद क्या पता चले धर्म पता चले जान बुझ के वो भेजना चाहता समझ में आएगी नहीं आ गया पे। उसके बाद भी उसने क्या किया कश्मीर को किस तरह से बर्बाद करना चाहे अपने आतंकवादियों को बोलता था जाओ गोली चलाना और घर में घुस जाना और सब बैग में बुरका लेके आते थे सब नकाब और जान के नकाब में बैठ जाते थे सब ताकि आर्मी आएगी अगर नकाब नहीं चेक की तो गोली मार देगा सब और चेक करेगी तो आतंकवादी मनाएगा सब लेकिन एक के चक्कर में तो सबका चेक करना पड़ेगा और जब चेक करेंगे तब तो पाकिस्तान क्या है? देखो देखो क्या होता है अब भाई उसी का कोई घूंघट देखिए नकाब तो एक बहुत ज्यादा कवर होता है घूंघट तो नॉर्मल कवर होता है अगर कोई घूंघटो उठा के चेक कर तो एक तो ईगो वाली बात आएगी कि नहीं आएगी तो पाकिस्तान का माइंड गेम समझ रहे हैं इसलिए इंडियन आर्मी घरें उड़ा देती है अब

इंडियन आर्मी फिर उसे शिक्षा देती है सब कुछ कराती है उसके बॉन्ड भरवाती है गार्जियन को करती है उसके बाद फिर उसे समाज की मुख्य धारा में लेके आती है तो धीरे धीरे समय लगेगा एक इतना लंबा समय से इसने रद्द कर दिया है तो एक समय ज्यादा लग जाएगा क्योंकि तीन हटने के लगभग तीस से चालीस साल लगेगा उसे किस में आने में मुख्य धारा में आने में तो पाकिस्तान के पाकिस्तान ने कश्मीर का वह हिस्सा कब्जा कर लिया जो हरी सिंह के साइन नहीं किया था जब तक और इस एरिया को कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या कहते हैं पाक श्मीर पीओ के क्या कहेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये थर्टी परसेंट है कितना परसेंट है, है. तो पाक ऑक्युपाइड कितना परसेंट है कब कब्जा किया 1948 तक 1948 तक में क्या कर लिया कब्जा कर, कर लिया आईसी को खाली कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू कहां चले गए गा? इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए अभी यूएनओ कहता कि यहां जनमत संग्रह कराइए क्या कराइए जनमत संग्रह कराइए भारत भी रेडी हो जाता है कहता है ठीक है कराइए लेकिन जब जनमत संग्रह होगा तो वहां पाकिस्तान की सेना नहीं रहनी चाहिए तो पाकिस्तान की सेना पीछे हटाइए तो पाकिस्तान तो, ना ना हम जैसे पीछे हटाएंगे तो चढ़ के कब्जा कर लेगा कहेगा जनमत तो संग्रह नहीं होंगे हो देखिए यही डरा हुआ है क्योंकि जनमत संग्रह तब होता है जब वहां आप अपनी सेना हटाएंगे तब आप अपनी सेना रख के कैसे कर सकते हैं आप तो पाकिस्तान कहता है ठीक है यूएनओ की सेना रहेगी तो यूएनओ में सबसे ज्यादा कहां की सेना है भारत की कहता है यूएनओ की सेना डरल रहता है और रूस रोक लगा देता है रूस के पास बीटो पावर है जो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है पांच देशों के पास बीटो पावर है जिसमें रूस भी है तो रूस रोक देता है कता कि नहीं जनमत संग्रह नहीं होगा जनमत संग्रह नहीं होगा समझ में आ कि नहीं आ गया तो ये एरिया क्या है भाई पीओके कितना परसेंट कितना परसेंट तीस आगे बढ़े अब देखिए ध्यान से इधर का एरिया कहला था अक्साई चीन चाइना ने उन्नीस में कब्जा कर लिया कौन सा अक्साई चीन उन्नीस में कौन कब्जा कर लिया कितना परसेंट दस पर तो इधर से अक्साई चीन किसने कब्जा कर लिया अब योग कौन कब्जा कर लिया भारत का दोनों ओर से मुड़ी उड़ा दिया के नहीं गया अब ये जो हम लोग नक्शा दिखाते हैं ये हमारा ओरिजिनल नक्शा है लेकिन वास्तविक रूप से ये स्थिति नहीं है इधर कौन कब्जा किया इधर कौन कब्जा किया चाइना ने कब्जा कर रखा किसी को दिक्कत हो तो बताया जाए ये एरिया कौन सा हो गया आपका अक्साई चीन सियाचीन किसके पास है सियाचीन भारत के पास है सियाचीन भारत के पास एक बार पाकिस्तान ने ना उन्नीस में सियाचीन पर कब्जा कर लिया 1984 में कहा कब्जा कर लिया है सियाचिन में कब्जा कर लिया अब हो गया आफत यहां का टेम्परेचर होता है माइनस साठ डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री ऐसे थूकिएगा ना तो थूक जमीन पे गिरने से पहले जम जाता है यानी अगर किसी को थूक दीजिएगा तो उसको चोट लगेगा इतना ज्यादा ठंड पड़ता है 20 सीटी लगाइएगा कुकर में तो आलू गलता है या 20 सीटी में आलू गायब हो जाएगा <laughs> खत्म हो जाएगा बीस सिटी में बीस सिटी में क्या गलता है आलू वहां पे वहां पानी होता ही नहीं है खौलाना पड़ता है पानी के लिए यहाँ पे इतना ठंड में कोई लड़ाई कैसे को लड़ेगा और उसमें पूरी क्या होती है बर्फ जमी रहती है अब माइनस साठ डिग्री सेल्सियस अब पाकिस्तानियाँ जाके वहां कब्जा कर लिया हम लोग को पता कैसे चला पता है कुछ पर्वतारोही आए थे सब भारत में चढ़ने के लिए पहाड़ के तो उनके पास कुछ नक्शा था तो उन्होंने कहा कि अभी हम पाकिस्तान से भी परमिशन लेके आए हैं उन्होंने भी हमें परमिशन दे दिया है सियाचीन पे चढ़ने के लिए तो इंडियन आर्मी कहीं गिरी चोट्टा कोई कहा सियाचीन पे चढ़ने के लिए परमिशन तुम पाकिस्तान से लाया है तो भारतीय सेना जो थी समझदार थी रिएक्ट नहीं की समझदार आदमी रिएक्ट नहीं करता देखिएगा ना जो समझदार रहेगा ना उसके काम लायक चीज़ रहेगा तो उसमें सबसे कम रिएक्ट करेगा ताकि आपको आभास ना होने दे अच्छा कहा ठीक है पाकिस्तान से लिए नक्शवा देखा एक फोटो कॉपी करा के रख लिया अब उसको बता देते तो पाकिस्तान में बोलता है कि आपका नहीं है क्या हो इंडियन आर्मी पूरी तरह हड़क गई थी अब भारत ने सोचा कि बाप रे बाप ईस्ट ई तो ससुर पीओके ले गया आग साई चीन ले गया अच गया किस पे सिया। सियाचीन पे अब इंडियन आर्मी भेजी सिया चीन पे रेकी करने के लिए रेकी मतलब जासूसी करने के लिए जो गया उनको ठंडा मार दिया वापस आए लोग उन लोग को पता चला कि यहाँ लड़ना असंभव है क्योंकि जिस कपड़े की जरूरत है माइनस डिग्री सेल्सियस का कपड़ा यह कपड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम लोग ये कपड़ा लेके लड़ाई नॉर्मल कपड़ा में लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तब पता चला कौन कपड़ा बनाता ही है तो नॉर्वे नामक एक देश था एक देश का नाम क्या था नॉर्वे देश को कपड़ा बनाता था तो भारत ने कहा कि ठीक है अगले साल हम लोग युद्ध करेंगे हथियार वगैरह रेडी रखो और नॉर्वे से कपड़ा मंगाते हैं तो नॉर्वे से जब कपड़ा मंगाया गया तो कपड़ा बहुत हल्का था और ठंड पूरा रोक लेता था तो लोग इंडियन आर्मी ने कहा कि ठीक है नॉर्वे की कंपनी कहा कि हमको कपड़ा ऑर्डर करना है दस हजार पीस हमको दे दीजिए तो नॉर्वे ने ले लिया टेंडर लेकिन कहा कि हम आपको दो साल तक नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा है तो भाई किसी कंपनी के पास ऑर्डर ज़्यादा रहता इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट कहा कि हमको अर्जेंट बेसिस में चाहिए हमको दे दीजिए तो उसने कहा कि देखिए हमें जो पहला भी ऑर्डर आया ना वो भी अर्जेंट बेसिस का है, पाकिस्तान का तो इंडियन आर्मी कौन जी कर दिया रहे तुम अब तो पगला गए हम लोग क्योंकि उसके पास कपड़े पहले से थे उसके पास और एक्स्ट्रा मंगा रहा था कौन पाकिस्तान अब इंडियन आर्मी कही कि एक साल अगर रुकेगे ना तो पहले ऑर्डर किसको मिलेगा पाकिस्तान को सियाचिन हाथ से निकल जाएगा इंडियन आर्मी अपने जवानों को बुलाई जो सबसे सशक्त थे और पूछी कि देखिए हमारे पास ये हकीकत है कि जिन कपड़े हमारे पास है उसमें हम लोग सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है यानी अगर जाएंगे दस लोग तो पांच आदमी तो बीमार पड़ जाएंगे ठंड से क्या आप लड़ सकते हैं स्थिति ऐसी है कि अगली साल नामुमकिन हो जाएगा तो इंडियन आर्मी के जवानों ने कहा कि हम बिल्कुल लड़ेंगे इसी कपड़ों में लड़ेंगे और आगे से चढ़ाई कर देते हैं तो एक साल एक साल वेट नहीं किया गया जबकि अगले दिन ही चढ़ाई के लिए भेज दिया गया डर इस बात का था पता पता है क्या हमारे सैनिक बीमार पड़ रहे थे थे ठंड थी और वहां पहले से थे। अगर पता चल जाता कि इंडियन आर्मी जा रही ही है तो फिर उनको लिए जीतना एकदम इजी था क्योंकि पहले से स्टैंड लिया था मार देते यहाँ पे और कुछ नहीं करना बम का गोला मारते बर्फ गिरता भूस्खलन होता पूरा पहाड़े घसक जाता वहां पर तो इंडियन आर्मी करे तो क्या तो कहा गया कि आप लोग जब जाइएगा चढ़ाई कीजिएगा ना तो सफ़ेद कपड़ा दिया गया पूरा कपड़ा रहता था ये वाला ठंड वाला और सफ़ेद जैकेट दे दिया था दस्ताना भी सफ़ेद सब चीज़ सफ़ेद मास्क भी सफ़ेद ठंड से बचाना होता ना चश्मों का खोलवा जो रहता तो वो कौन जी सफ़ेद सब चीज़ सफ़ेद और चलते तो लोग बर्फ़ में सफ़ेद तो पता ही नहीं चलता था दिख दिखवे नहीं करता था यहाँ पे लेकिन उनको सख्त आदेश दिया गया था कि आप रेडियो पे बात नहीं करेंगे क्योंकि जैसे रेडियो पे बात करेंगे ना उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है सुनाई देती है क्योंकि अगर आप जैसे अभी कोई वायरलेस पे बात कर रहा होगा ना रेडियो पे आपके पास भी अगर वायरलेस वाला होगा ना एंटीना अगर उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे तो आपको भी बतिया सुनाई देने लगेगा कहा कि इस पर मात्र आना वरना पाकिस्तानी सुन लेंगे सोचिए इंडियन आर्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी कि उस दुर्गम परिस्थिति में जाना है जहाँ कपड़े भी उस लायक नहीं है लड़ाई भी लड़ना है बीमार पड़ गए तो रेडियो पर भी नहीं बता सकते समझा गया कि नहीं अब जब वहाँ पहुँचे कारगिल की लड़ाई एकदम सियाचिन पे तो रास्ते में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए लेकिन कैसे भी करके टेंट लगाया गया टेंट लगाने से थोड़ा सा ठंड बच जाता है हवा वगैरह टेंट लगा के आराम कर रहे थे लोग एक सिपाही था जो बाहर संतरी की ड्यूटी कर रहा था क्योंकि एक आदमी जगता है बाकी सब लोग सोए रहते हैं और जब वो जगते हैं तो उसको लोग सुला देते हैं रात दो बजा ना तो उसमें एक चुनमन पांडे था हाँ चुनन पांडे जो संतरी का ड्यूटी कर रहा था उसको अचानक से दिखाई दिया ना कुछ सैनिक आ रहे हैं अब करे क्या करे कुछ सैनिक आ रहे हैं तो देखा कि कुछ सैनिक आ रहे हैं तो सोचा उठाने के लिए तब तक देखा कि उधर से सैनिक फायरिंग पोजीशन पे हैं तो इधर से चुनमुन चुन पांडे ने क्या कर दिया गोली चला दिया और जब गोली चलाई तो उधर से भी क्या चलने लगी गोली चलने लगी और गोली चलने लगी तो इसने इसने जो निशाना लगाया था सटीक लगाया था और इस निशाने से मारा उधर तीन चार ठो मर गया और उधर से भी गोली चलने लगी तो गोलीबारी की आवाज सुन के ये लोग जग गए और तब तक जब देखे लोग तो तब तक इनको गोली लग चुकी थी शहीद हो चुके थे और गोली चलाइए रहे थे तब तक ये लोग उठ के और जो पाकिस्तानी उधर से आ रहे थे सबको मार के दरदड़ा के नाच दिया सब सब पाकिस्तानी वहां हो गया सब मर गया सब अब जब पाकिस्तानी मर गया तो ये लोग को डबल खुशी थी कपड़वा मिल गया <laughs> <आगा। laughs> तो नहीं में रहते नहीं में में कांप रहे थे पे समझ आ गया कि जबकि एक हमारा जवान क्या हो गया शहीद हो गया लेकिन सोचिए अगर वो लोग गोली चला देता और शहीद हो जाता तो इन लोग को सोए में आगे गोली मार देता सब अब इसने कितना समझदारी किया धरधड़ा के गोली चलाई कि भाई उठाए से अच्छा गोलियां क्या बजिया से तो उठबे करेंगे धरधड़ा के मार दिया सारे पाकिस्तानी क्या हो गए सब मर गया सब शहीद कौन जी मर गए सब यहाँ पाकिस्तानी क्या हो गया मर गया भारतीय सेना ने उसका क्या कर दिया कपड़वा पहन लिया उ फेंक दिए छोटा उनको दफना दिया गया इंडियन आर्मी चाहे जितने भी पाकिस्तानी मारे जाते हैं हम लोग उनको दफनाते हैं और बाकायदा जो इस्लामिक परंपरा है उस विधि से हम लोग क्या करते हैं दफनाते हैं देखिए लड़ाई अपने जगह पे है संस्कार अपने जगह पे होता चाहिए आप देखिएगा महाभारत और रामायण में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं लंका में उससे ज़्यादा खून खराबा तो कहीं नहीं हुआ लेकिन संस्कार की हानि आप कभी नहीं देखिएगा मरने के बाद ऐसा नहीं हो गया कि कहीं संस्कार विहीनता हुई थी तो हम अभी भी उस परंपरा को उसको दफना दिया गया अब पाकिस्तान वाले जो थे सब उन सबको लगा कि भाई उनकी आर्मी तो पहुंच चुकी है यहाँ पर अब ये लोग रेडियो पे रेडियो ऑन कैसे करें यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हो गई थी बताइयो नहीं पाए लोग कि भाई कपड़ा मिल गया हमको तब तक उधर पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर आया खाना पहुंचाने के लिए <laughs> क्या पहुंचाने के लिए खाना अरे कहीं गया खाना खाना वाला चल गया। खाना वाले ये लोग है बढ़िया बढ़िया उधर से लाया होगा बिरयानी उरियानी बना के <laughs> खाना गिरा दिया और एक्स्ट्रा कपड़ा कंबल कम्बल सब गिरा दिया यहाँ पे ये लोग कहेंगे थैंक यू थैंक यू पूरा गिरा दिया कपड़ा अब ये लोग रेडियो चालू किए इंडियन आर्मी को बेस कमांड को कि दो चार और एक आध बटालियन भेजिए हम लोग यहाँ कपड़ा का इंतजाम कर लिए हैं <laughs> अब ये लोग रेडियो का कुछ ना दुकान खुला लगा <laughs> क्या यहाँ कोनो चीज का दुकान ना खुला है आसपास खाली बर्फ दिख रहा है यहाँ पे मार दिए लोग पाकिस्तानियों का उसको उघारे रखे उधर <laughs> बेस वाले का आ, कोई बात नहीं अपना वाला कपड़ा पहना दो अपना पहना दो यहाँ पे तू ना नॉर्मल कपड़ा था वो पहना के दफना दिया गया यहां पे समझ आ गया कि नहीं आ गया अब इंडियन आर्मी वहां क्या कर ली कब्जा कर ली और यहां का पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया इंडियन कब से है कंट्रोल में उन्नीस सौ चौरासी इसे कहा गया ऑपरेशन मेघदूत क्या कहा गया ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन मेघदूत चला के किसे कब्जा कर लिया गया सियाचिन वरना इसमें भी कब्जा कर लेते वहां समय अब पाकिस्तान का अब पाकिस्तान भी यहां पे है लेकिन निचवा है पाकिस्तान कहाँ है नीचे है और उसको नीचे ठंडा मार देता है <laughs> अब वो बैला नीचे है नीचे उसको क्या मार देता है ठंडा मार देता है अब तो पैसा है नहीं जो कपड़ा खरीद सके तो इंडियन आर्मी से कहता है कि आप लोग भी पीछे हट जाइए हम भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि हम ही लोग एक दूसरे के लिए तो आखिर वहां खड़े हैं